क्योंकि बृंदमान अग्रवाल को ना घाट का ना क्या बोलते हैं घर का इस टाइप का हो गया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। तो आप छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है, और उसको ना विधायक बन सकता है, नहीं MLA बन सकता है। पूरा आपके मीडिया में देख रहे थे, सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ में बृंदमान अग्रवाल। हम भी टीवी में बैठ बैठ के देख रहे थे, भाई मने अच्छा है, लेकिन अभी भारत जनता पार्टी ने घर में इतना लड़ाई झगड़ा चालू हुआ, मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चल रहा है, दिल्ली से कुछ होता है होता है दादी, लेकिन कुछ मंत्रियों का पोस्ट अभी भी खाली है बता रहे हैं वहां पर। वो उन लोग का पार्टी के समझे, हम लोग थोड़ी पता करते कि हम उनका पार्टी पोस्ट खाली है आई नहीं है। और मैं देश का प्रधानमंत्री पहला बार इतना पोस्ट पहला बार बुरा है, तब दो बार में इतना पोस्ट पहला बार नहीं बुरा, अल्लाह तक भी नहीं बोले तो, और कहा पोस्ट खाली है वो जाने मैं क्या करूँ। लोकसभा चुनाव से संबंधित कि लोकसभा चुनाव कैसा रहा, क्या रहा, क्या परिस्थितियां थी, इन सब बातों के बारे में चर्चा हुई है, और कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देना। आने वाले दिनों में सांसदों को क्या किस तरह का दायित्व निर्वहन करना है, दिशा निर्देश करना है? सांसदों को अपने सांसदीय के दायित्व का निर्वहन करना है कि उनको जनता से जुड़े रहना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े रहना है, सबको साथ में लेकर चलना है। सर इस्तीफा कब देने वाले हैं, विधानसभा से या संसद पद से? ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ, मंत्री रहेंगे अभी, मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। सर ये नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है, स्कूलों की मरम्मत की जानी थी, कितना कार्य अब तक? अभी काम तेजी से चल रहा है, और अभी आचार संहिता समाप्त हुई है, तो जैसे ही सैंक्शन मिलते हैं और तेजी से स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का, 18 जून से स्कूलों में प्रवेशोत्सव की शुरुआत होगी, इसके हमने निर्देश जारी किए। कुछ नई जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको, पता चला है केंद्र की ओर से इस तरह की चर्चा? अब जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है सांसद की, और विधायक में और सांसद दोनों में से क्या रहना है, इसके बारे में पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे।